हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एआर मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट है ओप्पो A17। इसमें प्रॉब्लम यह कि ये मोबाइल डेड है और इसमें अभी आपके सामने लाइव क्लास हो रहा है और क्लास में ही बताया जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ जो है ना, मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्लास के सामने, हमारे स्टूडेंट के सामने। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, जहाँ अच्छा लगे कमेंट और शेयर भी करें। चलिए इस फोन को हम अभी चेक करेंगे। सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई, सबसे पहले पहले 6 पोर्ट चार्जर में जो मेरा सिस्टम है वही सिस्टम पे काम करेंगे। सबसे पहले 6 पोर्ट चार्जर में चेक करेंगे कि इसमें एम्पियर कितना कंजप्शन हो रहा है। तो ये लगाते हैं एक नंबर पोर्ट पे मैं लगाया हूँ और मोबाइल को मैं आपके सामने कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एम्पियर कंजप्शन हो रहा है 0.4। ठीक है, और मोबाइल में आप देख पा रहे हो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है और 0.4 एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। उसके बाद हम चलेंगे डीसी पावर सप्लाई की तरफ। दूसरा स्टेप जो डीसी पावर सप्लाई का है, इससे पता लग जाता है हम लोगों को मोबाइल में कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। तो 6 पोर्ट चार्जर से डीसी पावर सप्लाई से हम इसका एम्पियर देखेंगे, एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसमें देखिए कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं हो रहा है, ना ऑटो एम्पियर ले रहा है, ना पावर बटन दबाने के बाद कोई एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। चलिए आप वीडियो में बने रहे, देखें, माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूं और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा। देखना है आप लोगों को किस तरीके से ये काम होता है। चलिए मल्टीमीटर लेके आइए। तो फ्रेंड, मैंने दिखा दिया आप लोगों को 6 पोर्ट चार्जर में 4 एम्पियर कंजप्शन हो रहा है 0.4, और डीसी पावर सप्लाई में ना ऑटो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, ना पावर बटन दबाने के बाद कोई एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे प्राइमरी लाइन को। अच्छा, सवाल ये है कि प्राइमरी लाइन को अगर हम यहां पर चेक कर रहे हैं तो प्राइमरी लाइन में अगर शॉर्टिंग होने से क्या होगा, डीसी पावर सप्लाई में हाई एम्पियर कंजप्शन होगा। ठीक है, और जो वोल्ट है वो भी कम हो जाएगा, पर ये कम नहीं हो रहा है, इससे पता ही लग रहा है प्राइमरी लाइन ओके है, शॉर्टिंग नहीं है। फिर भी मल्टीमीटर से चेक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर कोई बीप नहीं कर रहा है और एक साइड में बीप कर रहा है, एक साइड में कोई भी बीप नहीं कर रहा है, इससे पता ही लग रहा है कि बैटरी कनेक्टर का जो लाइन है, प्राइमरी लाइन, वीवेट लाइन, ये ओके है। आगे हम चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए पावर एसी का सील हमने अभी काटा थोड़ी देर पहले, तो ये पावर एसी का सील जो है ना, काटने के बाद यहाँ से सारा लाइन, यही लाइन का सप्लाई यहीं से होता है, तो यहीं चेक कर सकते हैं वीपीएच क्या है या प्राइमरी क्या है, सारा चीज जो है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लाइट चली गई क्या? तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, देखिए ये पावर एसी है, इसका मॉडल नंबर है MT6357CRV। बहुत सारे मॉडल में लगा रहता है ये, मीडियाटेक का प्रोसेसर है। अब यहाँ पर चेक करेंगे पावर एसी में कि कैसे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर रहे हैं, देखिए ये कैपेसिटर है, ये VPS से कनेक्ट है इसका लाइन, तो देख पा रहे हैं दोनों तरफ से बीप साउंड कर रहा है, देखिए ये शॉर्टिंग है। उसके बाद इसको चेक करते हैं, इसमें भी बीप कर रहा है, ये भी शॉर्ट है। उसके बाद इधर चेक कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है, और ये लाइन अलग होगा इसलिए शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं और भी कैपेसिटर को चेक करूंगा, देखिए यहाँ पर बीप कर रहा है, तो ये इससे ये पता लग रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसको कैसे चेक करें कि ये कौन सा लाइन है, ये है ना सवाल। डायरेक्ट कैसे बिना बोर्नियो कभी हम लोग मोबाइल को बना सकते हैं, तो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो है ये मैंने आपको बताया कि ये VPH का लाइन आ रहा है, तो हम अभी मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा सकते हैं आप लोग को कि ये VPH है या नहीं है। तो चलते हैं चार्जिंग एसी की तरफ। मेरे हिसाब से चार्जिंग एसी यहाँ पर होना चाहिए, तो इसके शील्ड को उतारते हैं कटर के द्वारा। मैंने शील्ड को उतार लिया है और ये यहाँ पर जो है BQIC है,
इसका नाम है BQIC और ये चार्जिंग IC भी बोलते हैं, ये OBP IC है। और यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर कहाँ शॉर्टिंग है, तो ये जो है ये कॉइल जो दिख रहा है आप लोग को, ये कॉइल यहीं से BPH बनता है। तो इसको हम चेक करते हैं, देखिए ये बीप कर रहा है एक साइड से, जब एक साइड से बीप कर रहा है तो दूसरे साइड से भी बीप करेगा, देखिए बीप कर रहा है। अब जो है और भी कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है उसको भी चेक करेंगे, देखिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट है, ये नहीं ये अलग लाइन में है इसलिए शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अब ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आपने पास अगर बोर्न्यू नहीं है, है ना, बोर्न्यू नहीं है तो कैसे इसको ठीक करोगे। अब मान लो कि बोर्न्यू नहीं है मेरे पास, कैसे ठीक करने का तरीका क्या है कि इसका चार्जिंग ऐसी खराब है या पावर ऐसी खराब है या दूसरा कोई ऐसी खराब है, ठीक है। तो यहां से इस कॉइल को हम रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, कॉइल को हटाएंगे यहां से, ठीक है। कॉइल को हटा के जिस तरफ से चार्जिंग आईसी का लाइन जा रहा है, ठीक है, आपको मैं बोर्न्यू में पहले दूसरा वीडियो डाला हुआ है शॉर्टिंग के ऊपर, आप लोग देख लेना, ठीक है, मॉडल नंबर नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोग के ग्रुप में। पर इसको निकालने से पता लग जाएगा चार्जिंग आईसी खराब है या दूसरा कोई लाइन खराब है। तो सबसे पहले हम कॉइल को रिमूव करेंगे यहाँ से, अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो ये तरीका आपके आपके लिए बेस्ट है। अभी हमने कॉइल को निकाल दिया है, पता लग जाएगा कि चार्जिंग ऐसी खराब है या अदरवाइज लाइटिंग ऐसी खराब है, ग्राफिक्स ऐसी खराब है, पावर ऐसी खराब है। ये सारे जितने भी आईसी का नाम ले रहा हूं मैं, सब 3.7 से 4.2 वोल्ट पे चलने वाले आईसी है, ग्राफिक्स ऐसी भी, नेटवर्क ऐसी भी, उसके बाद पावर ऐसी भी, उसके बाद क्या लाइटिंग ऐसी भी, बहुत सारे आईसी जो है वो 3.7 से 4.2 में चलेगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठंडा होने लेते हैं, देख लेते हैं, एक साइड से बीप करेगा अभी, दोनों साइड से बीप, दोनों साइड से बीप करने से चार्जिंग ऐसे भी खराब होगा, ठीक है, एक साइड से बीप करना चाहिए क्योंकि कॉइल को हमने रिमूव कर दिया है। देखो एक साइड में बीप कर रहा है, जोर से बोलो, दूसरे साइड से। अब ये लाइन हम चेक करेंगे, ये लाइन किससे कनेक्ट है, ठीक है। अब एक प्रोप यहाँ रखे, एक प्रोप इधर रखे, तो इससे ये पता लग रहा है कि ये चार्जिंग ऐसे से कनेक्ट है, देखो है ना, बीप कर रहा है ना। तो ये चार्जिंग ऐसी क्या है हमारी, सही है खराब है, सही है। जोर से बोलो, सही है, क्योंकि इस साइड में बीप नहीं कर रहा है। अब इस साइड बीप कर रहा है तो इसके इसके साथ में कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है। और अच्छा, ये कॉइल निकालने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर शॉर्ट नहीं आना चाहिए, अगर शॉर्ट आ रहा है तो इधर खराब है, ठीक है। देखो यहाँ पर बीप कर रहा है, इस साइड में बीप कर रहा है, इससे क्या पता लगा चार्जिंग ऐसी मेरा क्या है, सही है। बाकी दूसरा ऐसी कहीं पर भी हो सकता है शॉर्टिंग, लाइटिंग ऐसी में भी शॉर्ट हो सकता है, ग्राफिक्स ऐसी के पास भी हो सकता है आपका, पावर ऐसी के पास भी हो सकता है, नेटवर्क ऐसी के पास भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसी में ये लाइन गया हुआ है, तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा जो है चार्जिंग ऐसी क्या है, सही है, ठीक है, कॉइल लगा देंगे, बाद में लगाएंगे कॉइल को हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेटवर्क ऐसी के शील्ड को भी उतार लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी चेक करेंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, क्लियर। कोई भी मोबाइल को अगर शॉर्टिंग शॉर्ट सर्किट वाला मोबाइल अगर आता है तो किस तरह इजीली आप उसको बना सकते हो। चलिए अभी मैंने नेटवर्क आईसी के शील्ड को भी उतार दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आईसी है, ये 2G IC है, जैसे कि आपको पता है ये लंबा है, देखिए ये 4G IC है,
ये RFIC है जिसको बेसमेंट IC भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नेटवर्क का दुनिया ही अलग है, ठीक है, इसमें दूसरा कोई IC नहीं है। तो अब यहाँ पर 3.7 से 4.2 वोल्ट में चलने वाली RFIC नहीं है, ठीक है, इसमें 3.7 से 4.2 दो IC में होता है। कौन कौन से IC में? 2G और 4G में। तो हम यहाँ चेक करेंगे 2G IC में, ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ चेक करते हैं। बीप कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये VPH के साथ में जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हमने शॉर्ट दिखा रहा, दूसरा कोई लाइन होता तो शॉर्ट नहीं दिखाता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी VPH के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आगे चेक करते हैं, देखो पावर के पास चेक ही कर लिए हम लोग, आगे यहाँ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, ये VPH के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लाइटिंग IC के पास चेक करते हैं, लाइटिंग IC में इनपुट वोल्टेज कितना होता है लाइटिंग IC का 3.7 से 4.2, वो VPH के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, इस कॉइल में शॉर्ट दिखाएगा। आप कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल को भी आप चेक कर सकते हैं, कॉइल में बराबर लग भी रहा है, ये कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है और डायोड का एक सिरा कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा है प्रोब, और ये शॉर्टिंग होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। आगे हम इस कॉइल पे चेक करते हैं, देखिए ये भी VPH के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ग्राफिक्स IC है, समझ में आ रहा है? तो ग्राफिक्स IC में भी 3.7 से 4.2 आता है, वहां पर भी कॉइल होता है, जैसे कि ये कॉइल है, यहाँ पर ये कॉइल है, ये कॉइल है, अगर ये भी बूस्ट कॉइल है, ये भी बूस्ट कॉइल है, तो ये दोनों कॉइल VPH के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए बीप कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो VPH जहां जहां भी है सब जगह क्या दिखाएगा, आपका शॉर्ट दिखाएगा, बीप करेगा। तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है पकड़ने का? रोजिन, क्या है? रोजिन है ना, तो रोजिन से अब यहाँ लगा करके हम इसको चेक करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, अभी यहाँ पर हम रोजिन लगाना है हम लोग को, जहां जहां VPH, अब जहां जहां चेक किए सब जगह पर कंपोनेंट के ऊपर आपको ये लगाना है रोजिन, ये देखो इस तरह से लगाना है, ऊपर ऊपर से, नीचे रखना नहीं है। उसके बाद इस पे तो लगाना नहीं है, इस पे कितने वोल्ट आता है? 1.8 और 1 वोल्ट, इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन तो ओके है। अब लगाना है पावर IC में, और थोड़ा सा गिर गया, देखिए नजदीक किए, इस तरीके से आपको रोजिन लगाना है, लग गया इधर रोजिन। उसके बाद लाइटिंग IC और ग्राफिक्स IC में भी रोजिन लगाना है इस तरीके से, ठीक है, इधर लगा दिए। अब ये चार्जिंग IC में भी लगा के देखेंगे, क्योंकि चार्जिंग IC शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट यहाँ पर है कुछ कंपोनेंट जो बीप कर रहा था। समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट में भी आप लगा सकते हैं, लगा दिए इधर। अब हम रोजिन को अप्लाई करेंगे, वोल्ट को कितना अप्लाई करना है, सबसे पहला सवाल ये है, कितना वोल्ट अप्लाई करोगे यहाँ पर? देखो वोल्ट यहाँ पर पावरफुल होना चाहिए, एम्पियर पावरफुल होना चाहिए, एम्पियर जो है आपका कितना एम्पियर होना चाहिए? 5 एम्पियर। वोल्ट कितना होना चाहिए? 4 वोल्ट। कितना वोल्ट? 4 वोल्ट और 5 एम्पियर। तो हम यहाँ पर अभी M3 को यूज करेंगे, जो DC पावर सप्लाई में मैंने सेट के रखा है, M3 कितना? M3 में कितना वोल्ट है मेरा? 4 वोल्ट और 5 एम्पियर। तो 4 वोल्ट और 5 एम्पियर को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब कहीं पर भी कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट में कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, जो जहां जहां शॉर्ट दिखाया। तो अभी हम इसी से DC पावर सप्लाई वाला वायर से कर लेते हैं, इसको पकड़ो, हाथ में पकड़ो, इसको दिखना चाहिए है? अब यहाँ पर रोजिन अप्लाई करेंगे इसको, ये VPH यहीं से बनता है ना। अब ये इधर वाला जो है शॉर्ट नहीं था, इधर वाला शॉर्ट था, हम इधर अप्लाई करेंगे, ठीक, ज्यादा देर तक मैं रखना नहीं है, थोड़ी देर रखना है। और ये देखो मैं ग्राउंड पे लगा दिया इधर, और इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखो एम्पियर ले रहा था उधर, तो थोड़ा सा और लगाते हैं, बस इतना लगा, इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, मेट हुआ इधर नहीं हुआ।
इधर देखते हैं, इधर कहाँ मिनट हुआ है, कहाँ पर, ये देखो नेटवर्क ऐसे के पास, देख रहे हो इधर मिनट हुआ। एक बार और दिखाते हैं आपको, देखो ये इस जगह पर देखना आप लोग, एक कैपेसिटर की वजह से मोबाइल पूरा क्या था, शॉर्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ना है। अब देखो हम उधर नहीं लगाएंगे, इधर अभी इधर इधर अप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ नहीं लगाएंगे। अब इस जगह पर जहां पर भी शॉर्ट है तो पावर एसी के पास लगा के देखते हैं। देखो पावर एसी में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखना, ठीक है, इस जगह पर देखना। मैं अभी कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। ये भी बीपीएच के साथ में जुड़ा हुआ है ना, जोर से बोलो। हाँ, तो बीपीएच के साथ में जहां जहां जुड़ा हुआ है कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो उस वोल्ट को, लेकिन अदरवाइज दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। जहां पर वीरेज वाला लाइन है, कम वोल्टेज जो चलता है, उस लाइन पे 5 वोल्ट 5 एम्पीयर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। ये तो क्या होगा, आपका सीपीयू डेड होगा या फिर आपका वो लाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक बार आप क्या करोगे, माइनस पे रखिए। अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पहले ये देख लो कि मैं लगा कहाँ रहा हूँ। पावर आईसी के पास ये जो कैपेसिटर है, ये भी वीपीएच के साथ में जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे हम और आपको दिखेगा यहाँ शॉर्ट यहाँ पर है ना। चलिए हम तो यहाँ लगा रहे हैं, आप वहां देख लेना, देख रहे हैं ये मेल्ट हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट हो चुका है, तो इसको निकालते हैं अभी। तो निकालने का तरीका क्या होगा, आयरन से निकालिए, सबसे बेस्ट है, ये तो प्रिंट उखड़ने का खतरा रहता है, तोड़ के नहीं निकालना है। और अगर दूसरे टेक्नीशियन के पास ये सेट जाता तो क्या करता है, इसके बदले में जहां जहां शॉर्ट होता ना सबको निकालता, एक एक करके, ऐसे ही करता है ना, सबको एक एक करके निकालता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो खराब है उसको निकाल रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं, नहीं सर। अच्छा ये बताइए, कैपेसिटर जो लगाया गया मदरबोर्ड में वो किस काम के लिए लगाया, फिल्टर के लिए लगाया गया। अब सारा कैपेसिटर को हम झाझा चेक किए थे अभी कुछ देर पहले, सबको ही निकाल देते तो क्या होता, फिल्टर ही नहीं होता, तो मोबाइल ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो इसीलिए अब जो खराब है उसको निकालो आप। अब इसको निकाल रहे, देखो निकल गया। इस कैपेसिटर को हम चेक भी करेंगे, ठीक है, खाली ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये खराब है या नहीं है। चलिए इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, बोले यहाँ निकालते हैं। देखिए एक बार यहाँ कौन बात कर रहा, उधर थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। अब जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर को देखो और कैपेसिटर को देखो, ठीक है। ये क्यों लगाया गया, थोड़ा सा पेट्रोल क्यों डाला उसमें, क्योंकि इसमें रोजिन लगा हुआ था, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं। देखो बीप कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना एक चोर है, ग्रुप में नहीं है, है ना। चोर चोरी करता है ना, ग्रुप में भी करता है, उसको क्या बोलते हैं, डकैती बोलते हैं ना। और ये सिंगल चोर जो होता है, चिंदी चोर जिसको बोलते हैं वो, हाँ मतलब ये सिंगल है, इसका हिम्मत बहुत ज्यादा है, पूरा मोबाइल को डिस्टर्ब करके रखा है एक एक कैपेसिटर के चक्कर में, देखो बीप कर रहा है। अब ये बताओ आप लोग जो नए स्टूडेंट है, कैपेसिटर में इस तरह जो टेस्टिंग होता है, कल मैं बताया था ना, कल या परसों बताया था, तो इस तरह से टेस्टिंग करना क्या ओके माना जाएगा या खराब माना जाएगा, जोर से बोलो एनर्जी के साथ में, क्या खराब माना जाएगा ना या सही माना जाएगा, खराब माना जाएगा। कैपेसिटर में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना रीडिंग ना बीप, कुछ नहीं, तब वो ओके कंडीशन माना जाता है। ये बीप कर रहा है तो क्या समझ लेगा, खराब है, इसको साइड कर देते हैं। अब जहां से निकाले उस जगह को चेक करना है कि वहां पर सही हुआ कि नहीं। देखो अभी बीप कर रहा है, नहीं सर, दूसरे साइड में करेगा, कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये सही हो गया है। अब इसके हम जीआर चेक करते हैं कि यहाँ पर जीआर कितना मिलता है, कितना जीआर आना चाहिए, 300 से 700 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जीआर चेक कर लेते हैं एक बार, कितना जीआर मिल रहा है, 300 के प्लस में है। अच्छा अब ये बताइए कि जो मैंने कॉयल को निकाला, उस बिना कॉयल का मोबाइल ऑन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्यों नहीं होगा, हाँ यही होना चाहिए, हाजिर दिमाग होना चाहिए, ऐसा सवाल कर रहा है, नहीं हो जाएगा, कभी कभी मन में आता हो जाएगा, कभी कभी मन आता कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएच बनता वहीं से, वो बूस्ट कोई नहीं लगेगा तो वो पावर ऐसे को कैसे सप्लाई देगा, ठीक है।
इसीलिए कॉइल को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कॉइल को जहां से लगा, बीमारी पकड़ने का तरीका कैसे लगा आपको, बिना डायग्राम का, किसी चीज का नहीं, किसी चीज का सहारा नहीं लिया, एक कॉइल से मदद से आपको पता कर लिया कि किस तरफ शॉर्ट है। तो इस तरह ये तरीका जो है ना अच्छा है, आप लोग इस पर अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर देखो, इस कॉइल को लगा करके मोबाइल को ऑन करते हैं, डायरेक्ट ऑन करेंगे मोबाइल को, और मोबाइल ऑन होना चाहिए। देखिए अब ये कॉइल को लगाते ही फोन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और कॉइल को लगाने के बाद क्या होता है पता है, जब कॉइल को आप निकालते हो और निकालने के बाद दोबारा जब लगाने की बारी है ना, तो थोड़ा सा सोल्ड कर लो वहां पर, क्यों, दोबारा कभी भी अगर आपको निकालना पड़े ना तो इजीली निकल जाए। लग गया नहीं, कैमरा थोड़ा अलग हो गया, उसी चीज के लिए इतना इंतजार किया हम, तो जूम करके देख लेते हैं, अलग है, थोड़ा सा अलग है तो अलग है। अभी एम्पियर नहीं लेना था, अभी एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, एक बार देखते हैं ऑन होता है कि इसमें डीसी में। हाँ डीसी में ऑन होता है। ये जो, ये जो।